हेलो गैस तो आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड लर्निंग ये ये ग्राफ ये जो जुता भी इंफॉर्मेशन ये इस बेसिस पर तो तैयार किया गया है कि मतलब एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सीडीसी डी सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल और ये इसने रिसर्च पब्लिश की है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे कि एक्सरसाइज करने से हमारी मेमरी इंप्रूव होती है और वो इम्प्रूव कैसे होती है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रॉफिक केमिकल सिक्रीट होता है और वो केमिकल से हमारी हमारे ब्रेन में नए नए कनेक्शन तैयार होते हैं नए नए कनेक्शन तैयार होने से हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है एक्सरसाइज इंप्रूव काग्नेशन एंड थिंकिंग और ये क्या होता है इससे जैसे कि हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो जितना भी ब्लड है हमारे ब्रेन में फ्लो करता है और ब्रेन में फ्लो जब ब्लड करेगा तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा न्यूट्रन्स भी पहुंचेंगे जिससे कि ये हमारा थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ता है हम अच्छे से फोकस कर सकते हैं अच्छे से सोच सकते हैं और एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में दो केमिकल सीक्रीट होते हैं जिनका नाम है डोपामी एंड सेरोटोनिन इनकी वजह से हमारा मूड भी एलिवेट होता है जिससे हम बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है एक रिसर्च में सी के थ्रू पब्लिश किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि एज सिक्स टू सेवेंटीन ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसमें अगर उन्हें वो अगर रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं या फिर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं तो उनका जो डिस्टर्ब्टि बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उनका जो स्टडी में परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और और एक्सरसाइज का सबसे बहुत अच्छा चौथा जो फ़ायदा है वो ये है कि वो हमारा रिड्यूस करता है मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस और ये कैसे रिड्यूस करता है जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं जब भी कोई वर्क करते हैं कुछ टाइम के लिए तो वो हमें एक सेटिस्फेक्शन देता है सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है जिससे कि हमारा मूड बहुत अच्छा एलिवेट होता है और इससे ओवरऑल स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है